मिश्रा के साथ आप देख रहे हैं न्यूज़ आया बढ़ते हैं आज की पांच बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में बीजेपी के कार्यालय में यूपी विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है। सूत्रों के अनुसार तीसरे चौथे पांचवें चरण के करीब 160 नाम तय कर लिए गए हैं। इन्हें बुधवार यानी आज पीएम मोदी की अगुवाई में होने वाली केंद्र चुनाव समिति की बैठक में रखा जाएगा। वहीं सहयोगी दलों निशान पार्टी और अपना दल को दी जाने वाली सीटों पर भी फैसला लिया जाएगा। बीजेपी आज उम्मीदवारों की सूची एक बार जारी कर सकती है। चुनाव आयोग के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के बाद सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड की तरह गोवा विधानसभा चुनाव भी इस बार इंटरेस्टिंग हो चला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीजेपी कांग्रेस जैसी प्रमुख पार्टियों के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी अपनी मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। पार्टी ने मंगलवार को ही सांसद भगवत मान को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का सीएम चेहरा बनाने का ऐलान किया है और अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को यानी आज गोवा में सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने वाले हैं। हर सिंह रावत को उत्तराखंड मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए और बीजेपी से निष्कासित किए दो दिन हो चुके हैं। इसके बाद उन्होंने खुले तौर पर कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताई, लेकिन कांग्रेस में उनके शामिल होने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हर सिंह रावत उन 10 विधायकों में से एक थे जो 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। विधानसभा चुनाव से पहले हर सिंह रावत कांग्रेस में वापस जाना चाहते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा है पूर्व सीएम हरीश रावत। हरीश रावत ने कहा कि हर सिंह रावत की कांग्रेस में शामिल होने पर कोई बयान नहीं देना चाहता है। गणतंत्र दिवस को लेकर शहर में सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। आतंकी हमले का खुफिया अलर्ट होने के बाद दिल्ली पुलिस ने राजधानी को 20 जनवरी से एंटी ड्रोन क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसके तहत दिल्ली में ड्रोन, पैराग्लाइडर, यूएवी, छोटा माइक्रो एयरक्राफ्ट, एयर बलून पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अवस्था ने बताया कि दिल्ली में एंट्री ड्रोन व्यवस्था 15 जनवरी तक लागू रहेगी। दरअसल ड्रोन हमले की आशंका के मद्देनजर पुलिस ने सावधानी बरतते हुए हवा में उड़ने वाली सभी चीजों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। आईएनएस रणवीर के एक आंतरिक कंपार्टमेंट में विस्फोट हो गया। इस धमाके में 3 सैनिकों की जान चली गई, वहीं 10 सैनिक दल घायल हो गए हैं। घटना के तुरंत बाद जहाज के चालक दल ने स्थिति को काबू में किया और इसकी जानकारी भारतीय सेना ने अधिकारियों ने दी है। तो ये तो आज की बड़ी खबर है। इसी तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM News।